देखो क्वेश्चन नंबर 5 रो प्रश्न अछि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर तो हमको टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करिया पई पड़िबो किंतु हम पाखरे अछि कोन हम पाखरे अछि 6 रेड बॉल 5 व्हाइट बॉल और 5 ब्लू बॉल एमानक मध्यरु आमको 9 बॉल सिलेक्ट करिया पई पड़िबो किंतु एठारे गोटे कंडीशन अछि जे ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर माने प्रत्येक रंगर बॉल मध्यरु आमको 3-3 लेखाय बॉल सिलेक्ट करिया पई पड़िबो अर्थात 3 रेड बॉल सिलेक्ट करिया पई पड़िबो 3 व्हाइट बॉल सिलेक्ट करिया पई पड़िबो आउ 3 ब्लू बॉल सिलेक्ट करिया पई पड़िबो 3 3 6 3 9 टोटल 9 बॉल आमको सिलेक्ट करिया पई पड़िबो तो टोटल केतोटी वेज रे सिलेक्शन पॉसिबल ये होउची हमर प्रश्न बुझियला ना तो मु प्रथमे लेखि दउची जे आम पाखरे अवेलेबल कोन अछि अवेलेबल बॉल्स कोन कोन अछि 6 रेड बॉल्स अछि 5 व्हाइट बॉल्स अछि आ 5 ब्लू बॉल्स अछि टोटल केते हे गला 11 बॉल्स हे गला बुझियला एबे कहा जाइछि सिलेक्ट 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर ता माने प्रत्येक रंगर बॉल रु हमकु 3-3 लेखाय बॉल बाछिया पई पड़िबो सिलेक्ट करिया पई पड़िबो एही हिसाब रे हमें टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करिबा बुझियला ना जदी हमें 6 रेड बॉल रु 3 रेड बॉल कु बाछिबा ताहाले केतोटी वेज रे सिलेक्शन हेई पारिबो अरे जदी हमें 3टा रेड बॉल बाछिबा ताहाले 6 रेड बॉल भितरु ही तो बाछिबा ना ना 11टा बॉल भितरु बाछिबा एही रेड बॉल भितरु ही रेड बॉल बाहरिबो बुझियला ना 6 रेड बॉल भितरु 3टा रेड बॉल कु हमें बाछिबा तो जेहेतु एठी सिलेक्ट करिया पई कहा जाइछि तो आखि बुझी के हम एठारे कॉम्बिनेशन नो फार्मूला पकेइ देबा आ हम जानि छु कॉम्बिनेशन नो फार्मूला आसीबो ए जगह रे 6टा रेड बॉल रु 3टा रेड बॉल बाछिवार कॉम्बिनेशन नो फार्मूला आसीबो 6C3 सेइ भलिया 5टा व्हाइट बॉल रु 3टा व्हाइट बॉल को हमें बाछिबा केतोटी उपाय रे बाछि परिबा केतोटी उपाय रे सिलेक्ट करि परिबा ना 5C3 वेज रे सिलेक्ट करि परिबा सही भलिया 5टी ब्लू बॉल रु 3टा ब्लू बॉल को केतोटी वेज रे सिलेक्ट करि परिबा बिल्कुल ठीक 5C3 वेज रे सिलेक्ट करि परिबा बुझियला बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आमे एठारे मल्टीप्लिकेशन लगे दबा टोटल नंबर ऑफ वेज को फाइंड करिया पई वर्तमान देखो 6C3 रहिला मल्टीप्लाइड बाय देखो 5C3 को आमे 5C2 भी लिखी दबा बुझेला एठी मध्य आमे 5C2 लगे दबा काही की देखो प्रीवियस क्लास रे मु तुमको बुझे दी जे जदी NCX इज इक्वल टू NCY हुए तबे N इज इक्वल टू X प्लस Y हो बुझेला ना ये फॉर्मूला मु तुमको प्रीवियस क्लास रे ही बुझे दी जदी तुम्हें पूर्ववर्ती वीडियो को देखिनो ताहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाओ आ दिया जाइथिबा लिंक ऊपर क्लिक करिकी प्रथमे पूर्ववर्ती वीडियो देखिनियो आमे एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करथिलु क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 आ क्वेश्चन नंबर 4 ए चारिटी प्रश्नर समाधान आमे पूर्व वीडियो रे करि सारचू बुझियला चलो जदी तमे वीडियो देखिनो ताहले निश्चित भाव रे तमे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाओ आ दिया जाइथिबा लिंक ऊपर क्लिक करिकी प्रथमे पूर्ववर्ती वीडियो देखिनियो एक्सरसाइज 7.4 रो बुझियला ना चलो देखो आमे जानिचु जे 5C3 इज इक्वल टू 5C2 कोन पई कहना 3 प्लस 2 5 सहित इक्वल होबो बुझियला सही भलिया जदी हमकु दिया जाइथिबो 9C5 ये का सहित इक्वल होबो ना 9C4 सहित इक्वल होबो काहे कि ना 5 प्लस 4 हे जइबो 9 सहित इक्वल बुझियला तो चलो सही भले देखो हमें 5C3 जगह रे 5C2 भी लेके दे परबा हां तो वर्तमान हमें कॉम्बिनेशन नो फार्मूला पुट कर देबा आ हमर आंसर बाहर जइबो 6C3 हमें 6 को
तीनटा स्टेप लिखिबा एक एक कम करके माने 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 3 factorial माने 3 × 2 × 1 × 5C2 को आम लिखिबा 5 को दीटा स्टेप लिखिबा एक एक कम करके माने 5 × 4 लिखिदबा डिवाइडेड बाय 2 factorial माने 2 × 1 से भाया 5C2 को लिखिबा 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 × 1 बुझेला वर्तमान देख 3 × 2 हो गला 6 2 × 2 कटिगला 2 × 2 हो गला 4 एठी भी 2 × 2 हो गला 4 तो आमे केते पाइबा 4 × 5 = 20 5 × 2 = 10 5 × 2 = 10 20 × 10 × 10 केते आसीबो 20 रे आउ 2टा शून्य लागि जीवो 2000 बुझेला ना 2000 वेज तो टोटल नंबर ऑफ वेज केते आसीबो 2000 वेज बुझेला ना तो केतोटी उपाय रे आमे 9टी बॉल को सिलेक्ट करि परिबा ना 2000 उपाय रे आमे 9टी बॉल को सिलेक्ट करि परिबा आउट ऑफ 6 रेड बॉल 5 व्हाइट बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर बुझेला चलो ठीक अछि एथि सहित हमरो क्वेश्चन नंबर 5 रो सॉल्यूशन हे गला एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि माने क्वेश्चन नंबर 6 रो प्रश्न कोन अछि क्वेश्चन नंबर 6 रो प्रश्न अछि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन तो हमको सिलेक्ट करिया पई पड़िबो 5 कार्ड्स 5टी कार्ड हमको सिलेक्ट करिया पई पड़िबो आउट ऑफ ए डेक ऑफ कार्ड माने हेउची तास पाली जोथरे की 52टी कार्ड थाए एहार अर्थ हेउची हमको 52टी कार्ड भितरु 5टी कार्ड को सिलेक्ट करिया पई पड़िबो किंतु ए जगह रे गोटे कंडीशन अछि देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन बुझेला प्रत्येक कॉम्बिनेशन रे हमको निश्चित हाबरे गोटे एस दरकार बुझेला ना एग्जैक्टली गोटे एस निहाती दरकार एस माने कौन एस सी ई एहर अर्थ है उची जो जगह रे ए लिखाई थिबो जो कार्ड रे ए लिखाई थिबो ताको हमें कहिबा एस कार्ड बुझेला तो प्रत्येक कॉम्बिनेशन रे गोटे एस कार्ड दरकार बुझेला एग्जैक्टली गोटे एस कार्ड दरकार निहाती वर्तमान केतोटी वेज रे कॉम्बिनेशन पॉसिबल केतोटी वे रे सिलेक्शन हेई परिबो ये होची हमरो प्रश्न बुझियाला हमकु 52टी कार्ड भितरु 5टी कार्ड को सिलेक्ट करिया पई पड़िबो ता भितरु गोटे कार्ड एग्जैक्टली गोटे कार्ड एस हेइथिबा दरकार बुझियाला आ बाकी जहा भी कार्ड तमे चूज करो किछि भी असुविधा नाही बुझियाला तो टोटल हमरो अछि 52 कार्ड्स 52 कार्ड्स भितरु केतोटी कार्ड एस ही थाए ना तमे कहिबो सर 4 कार्ड्स चारिटा कार्ड एमिति थाए जहा ऊपर ए लिखाई थाए बुझियाला से उची एस कार्ड एसएस बुझियाला आ बाकी रहिला 48 कार्ड्स 48 कार्ड से उची नॉन एसएस बुझियाला माने 48 कार्ड्स एमिति अछि जोथरे कि ए लेखा हे न थाए बुझियाला एग्जैक्टली हमकु गोटे एस दरकार ता माने चारटा कार्ड भितरु गोटे एस कार्ड बाहरी आसीबो चारिटा एस कार्ड भितरु गोटे एस कार्ड को आमे सिलेक्ट करि परिबा केतोटी वेज रे सिलेक्ट करि परिबा तमे कहिबो सर 4C1 वेज रे आमे सिलेक्ट करि परिबा चारिटा एस कार्ड मध्यरु गोटे एस कार्ड को आमे 4C1 वे रे सिलेक्ट करि परिबा सेई भलिया आउ बाकी रहिला 48 कार्ड्स बुझियाला देखो टोटल हमकु 5टा कार्ड सिलेक्ट करिया पई पड़िबो ता भितरु गोटे कार्ड आमे एस नै गलु आ बाकी रहिला 4टा कार्ड हां कि ना टोटल 5टा कार्ड भितरु गोटे कार्ड तो एग्जैक्टली हमरो रहिगला एस कार्ड बाकी जो 4टा कार्ड रहिला ताकु आमे एई 48टा कार्ड भितरु सिलेक्ट करिबा बुझियाला ना तो 48टा कार्ड्स भितरु 4टा कार्ड्स को केतोटी वेज रे सिलेक्ट करा जाई परिबो तमे कहिबो सर 48C4 एतिक वेज रे आमे सिलेक्ट करि परिबा बुझियाला तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अनुजाई आमे एठी मल्टीप्लिकेशन लगे देबा एंड जगह रे तो देखो 4C1 यार वैल्यू तो तमे जानिचो 4 बाहर जीवो
9C1 9 10C1 10 15C1 15 19C1 19 बुझेला ना जदि आर जगह रे 1 अछि तो एन सी आर रो वैल्यू हे जीवो एन सहित इक्वल बुझेला ना जदि आर इज इक्वल टू 1 ताहले एन सी आर हे जीवो एन सी 1 माने एन सहित इक्वल हो बुझेला ना तो सही अनुजाई 4C1 हे गला 4 सहित इक्वल याकु मल्टीप्लाई करिवा 48C4 सहित तो 48 को चारटा स्टेप लेखो एक एक कम करिकी माने 48 47 46 45 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माने 4 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1 एटी 4 सहित 4 कैंसिल हे गला आउ देखो दुई रे आमे काटी दबा 48 को 24 हे जीवो आउ 3 रे भी 24 कटि जीवो 3 8 24 तो आमे पाइबा 8 इनटू 47 इनटू 46 इनटू 45 केते आसीबो मल्टीप्लाई करिके देखो निजे केते आसीबो यारो आंसर आसीबो 778320 वेज इट इज द करेक्ट आंसर बुझेला 778320 वेज एति की वेज रे सिलेक्शन हे परिबो एथि सहित हमरो क्वेश्चन नंबर 6 रो सॉल्यूशन हे गला एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि एबे देखो क्वेश्चन नंबर 7 नो प्रश्न अछि इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन व्हिच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स तो देखो आम पाखरे टोटल 17 प्लेयर्स अछंती 17 जन प्लेयर्स अछंती आमो को सिलेक्ट करिया पई पड़िबो 11 प्लेयर्स को बुझेला ना तो 17 टी प्लेयर को मध्यरु 11 टी प्लेयर को आमे केतोटी वेज रे सिलेक्ट करि परिबा ये होउची प्रश्न किंतु एठारे गोटे कंडीशन अछि जे जदी आमे 4 जन बॉलर को निश्चित भाबरे सिलेक्ट करिबा आ 17 जन प्लेयर को मध्यरु 5 जन प्लेयर बॉलिंग जानी चंती माने ए 17 जन प्लेयर मानन को मध्यरु 5 जन बॉलर अछंती किंतु आमो को 4 जन बॉलर दरकार तो टोटल केतोटी वेज रे आमे सिलेक्शन करि परिबा ये होउछि हमर प्रश्न ठीक है भलो भाबरे बुझिया पई चेष्टा करो आमो पाखरे टोटल प्लेयर केते अछंती टोटल प्लेयर तमे कहिबो 17 सेमानको मध्यरु बॉलर केते जण अछंती बॉलर अछंती 5 जण 5 प्लेयर्स कैन बॉल बुझियला ना बॉलर्स अछंती 5 जण ताहाले आ बाकी जो माने रही गले सेमान तो बैट्समैन हेतिबे ना सॉरी आजकाली बेटर बोली कुहा जाउची हला बॉलर बेटर आगरु कुहा जाउतला बॉलर बैट्समैन एबे कुहा जाउची बॉलर बेटर तो आम लिखि दे परिबा बेटर केते 17 रु 5 माइनस कर दियो 12 बुझियला ना तो 12 जण प्लेयर एठारे बेटर अछंती आउ 5 जण प्लेयर एठारे बॉलर अछंती आमे सिलेक्ट केमिति करिबा देखो आमकु एग्जैक्टली 4 बॉलर्स दरकार 4 जण बॉलर दरकार आउ 11 जण प्लेयर को मध्यरु बाकी जति कि रहि जिवे से माने सबु बैट्समैन हेथिबा दरकार बा बेटर हेथिबा दरकार बुझियाला ना तो ए 5 जण बॉलर को मध्यरु तो आमे 4 जण बॉलर को बाछिबा ना तो केतोटी वेज रे बाछि परिबा तमे कहिबो सर 5C4 5C4 वेज रे आमे बाछि परिबा सिलेक्शन करि परिबा 5 जण प्लेयर को मध्यरु 5 जण बॉलर को मध्यरु 4 जण बॉलर को केतोटी वेज रे बछा जाई परिबो ना 5C4 वेज रे बछा जाई परिबो बुझियाला तापर 11 जन प्लेयर हमको टोटल सिलेक्ट करिया पई पड़िबो बुझियला ना ताहाले आउ केते जन प्लेयर रहिले 4 जन तो हमरो बॉलर हे गले बाकी जति कि रहिबे से माने बैट्समैन थिबे बुझियला ना तो 11 रु 4 माइनस कर दियो 7 आउ 7 जन प्लेयर हमको बैट्समैन दरकार हम पाखरे बैट्समैन बा बेटर अछंति 12 जन 12 जण को भितरु आमे 7 जण को चूज करिबा 7 जण को सिलेक्ट करिबा बुझियाला ना तो केतोटी वेज रे सिलेक्शन हे परिबो ना तमे कहिबो सर 12C7 वेज रे सिलेक्शन हे परिबो बुझियाला
चलो बर्तमान एनसर आमर बाहर जीवो 5C4 को आम लिखिपर 5C1 इंटु 12C7 को लिखि दे पार 12C5 बुझेगा एबे 5C1 रो वैल्यू 5 सहित इक्वल हो जीवो इंटु 12C5 को आम लिखि दे पार 12 × 11 × 10 × 9 × 8 पांचटा स्टेप जाइजे ना डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माने 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5 सहित तो 5 कैंसिल हो जीवो देखो 4 × 3 = 12 आउ 2 × 4 = 8 केते हबो देखो 11 × 9 × 4 × 10 केते आस जीवो 9 × 36 × 11 × 10 निजे करी के देखो 36 × 11 × 10 36 × 11 कर दूँ जी एठी 6 × 6 = 3 6 × 6 = 3 6 × 9 = 3 तम पे बात 3960 वेज तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आसीबो हमरो 3960 वेज बुझियाला एतिके उपाय रे आमे 11 जन प्लेयर को सिलेक्ट करी परिबा बुझियाला ना 7 × 4 = 11 जन प्लेयर एही उपाय रे सिलेक्ट हे जिवे हम पाखरे 5 जन बॉलर थिले समानक मधुर 4 जन बॉलर को आमे सिलेक्ट करीबा आम पाखरे 12 जन बैटर थिले आउ समानक मधुर आमे 7 जन बैटर को चूज करीबा बा सिलेक्ट करीबा तो टोटल केतोटी वेज रे 11 प्लेयर्स को आमे सिलेक्ट करी परिबा ना मल्टीप्लाई करले जणा पड़ जिवो 3960 वेज बुझियाला एथि सहित हमर क्वेश्चन नंबर 7 रो सॉल्यूशन हे जाईची देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो क्वेश्चन नंबर 8 रो प्रश्न अछि ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड तो गोटे बैग भितरे 5टा ब्लैक बॉल अछि आ 6टा रेड बॉल अछि तो मु एठारे गोटे बैग रो चित्र कर दउछि या भितरे 5टा ब्लैक बॉल अछि आ 6टी रेड बॉल अछि आमे करिबा कोन डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड आमे एमानक मधुर बाछिबा 2टा ब्लैक बॉल आ 3टा रेड बॉल को तो केतोटी वेज रे सिलेक्शन हे पारिबो बुझियाला तो 5टा ब्लैक बॉल भितरु आमे बाछिबा 2टा ब्लैक बॉल को आउ 6टा रेड बॉल भितरु आमे बाछिबा 3टा रेड बॉल को केतटा वेज रे सिलेक्शन हे परबो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन तो यार आंसर समस्त जानि सरचो 5C2 × 6C3 5टा ब्लैक बॉल रु 2टा ब्लैक बॉल को आमे सिलेक्ट करि परबा 5C2 वेज रे आ 6टा रेड बॉल रु 3टा रेड बॉल को आमे चूज करि परबा 6C3 वेज रे तो आमे कोण पाइबा 5 को 2टा स्टेप लिखिबा गोटे कमे की डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माने 2 × 1 × 6C3 6 को 3टा स्टेप लेखो गोटे गोटे कमे की डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माने 3 × 2 × 1 बुझियाला तो 2 दुणे हे गला 4 6 कटि गला आउ आमे पाइबा 5 × 2 × 5 × 4 देखो 4 × 5 = 20 5 × 2 = 10 20 × 10 = 200 200 वेज टोटल नंबर ऑफ वेज बाहरी गला हमरा 200 वेज रे सिलेक्शन हे परिबो बुझियाला तो एथि सहित हमर क्वेश्चन नंबर 8 रो तो सॉल्यूशन हे गला एबे आमे एक्सरसाइज 7.4 रो लास्ट प्रश्न को जिबा माने क्वेश्चन नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर 9 नो प्रश्न भी बहुत सिंपल अछि बहुत सरल अछि आमे अति सहज रे कर दे परबा ओ एई भले प्रश्नर समाधान मु तुमको आगरु भी करैबा सिखै दे छि बेसिक कांसेप्ट क्लास रे एई भले प्रश्नर समाधान आमे करि सारछु सेति पई एई प्रश्नर समाधान करबा तुम पई किछि भी कष्ट काम नुहे चलो तथापि भी आमे क्वेश्चन पढि नबा क्वेश्चन अछि एठारे इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस इफ 9 आर अवेलेबल
दैट मीन्स 9 कोर्सेस आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो टोटल अवेलेबल कोर्सेस केते अछि 9 कोर्सेस बुझियाला। आमको सिलेक्ट करिया पई पड़िबो 5 कोर्सेस, किंतु एठी कोआ जाय छि 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपलसरी। दीटा स्पेसिफिक कोर्सेस कंपलसरी नबा पई पड़िबो ही पड़िबो, सिलेक्ट करिया पई पड़िबो ही पड़िबो बुझियाला ना। तो देखो टोटल कोर्सेस 9 अछि, कोर्सेस टू बी सिलेक्टेड, टू बी सिलेक्टेड 5 अछि, किंतु दीटा कंपलसरी कोर्सेस अछि बुझियाला ना। 2 कोर्सेस आर कंपलसरी, तो जे कोर्स गुड़ा हमर कंपलसरी अछि ताकु ताउ आमे हात मारि परिवानी, तार आउ आमे किछि करि परिवानी, सेटा तो नवा पई पड़िबो ही पड़िबो। ता माने एठी 9टा कोर्स रु 2टा कोर्स को माइनस कर दबा, काहे ना 2टा कोर्स हमर कंपलसरी नवा पई पड़िबो ही पड़िबो बुझियाला ना। आउ आमे जो 5टा कोर्स सिलेक्ट करथांतु वर्तमान, आउ आमे 5टा कोर्स सिलेक्ट करिवानी, आमे एबे 3टा कोर्स सिलेक्ट करिवा, काहे ना 2टा कोर्स आमे ऑलरेडी सिलेक्ट करि सारचू बुझियाला ना। तो आमर जो कॉम्बिनेशन आसीबो एठारे से आसीबो 9-2C5-2 माने 7C3 बुझियाला ना। माने 7टा कोर्स रु 3टा कोर्स को आमे केतोटी वेज रे सिलेक्ट करि परिबा बुझियाला। तो 7 को 3टा स्टेप लिखिबा, 1-1 कमे की 7-6-5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माने 3-2-1 छः सहित छः कटिगला, आउ रहा 7-5-35 वेज बुझेगा। 35 वेज रे आम सिलेक्शन करा बुझेगा ना। चलो एथि सहित आम क्वेश्चन नंबर 9 रो भी सल्यूशन होगा। आज क्लास को आम यही जगह समाप्त करवा।